बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आसिफ खान। से सतियों का थान, सो सात बहनों की कहानी है, आइए आपको बताते हैं। वैसे तो दोस्तों ये एक कब्रिस्तान है, इसकी भी एक कोई कहानी है। दरिया किनारे बाएं तरफ रोड़ी का एक शहर बसता है। यहाँ एक कब्रिस्तान है, यहाँ आने वाले ज़्यादातर तादाद सिंध और बलूचिस्तान जो ख़वातीन की हैं, जोग तू जोग आती हैं। इस कब्रिस्तान को सतियों का थान कहा जाता है। इस कब्रिस्तान की कई कहानियाँ मशहूर है। एक दास्तान के मुताबिक यहाँ सात बहनें रहा करती थी। एक दिन उन पर राजा दहर की नज़र पड़ गई और उन्हें फौरन अपने पास पेश होने का हुक्म दे दिया। तो उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए दुआ मांगी। कहा जाता है इन बहनों ने जहाँ सजदे किया वहाँ ज़मीन फट गई और सात बहनें उसमें गार में चली गई। एक और कहानी में बताया जाता है कि अरब कमांडर मोहम्मद बिन कासिम के साथ ये सात बहनें आईं, जिसके बाद उन्होंने इस पहाड़ी पर क़याम किया था। एक और कहानी में बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम से क़याम से पहले ही यहाँ ये सात बहनें रहा करती थी। ये रोड़ी शहर में रोड़ी पुल की साथ ही सत्यों का आस्थान है। ये सामने आप रोड़ी की पुल देखते हैं, जिसको कैंची वाली पुल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि 15वीं ईस्वी में बखर के गवर्नर ने इस जगह को सात बहनों के नाम से जगह को मुख्त कर दिया, तो तब से इस जगह को सत्यों का आस्थान कहा जाता है 15वीं सदी से। ये सत्यों का आस्थान नहायत ही खूबसूरत 15वीं ईस्वी से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जो रोड़ी में एक कब्रिस्तान है। इस जगह को सत्यों का आस्थान कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सात कब्रें बनी हुई है, ये आप लोग गिन सकते हैं। ये आप रोड़ी वाली पुल से देख सकते हैं, ये सामने बखर है, बखर से इस तरफ साधु बेला है, जो सामने थोड़ा जूम करते हैं, जो वो साधु बेला जहाँ पे दीवान कम्युनिटी मंदिर आती है अपनी पूजा करने, जो अपना होता है। तो ये दरिया के सामने पुल के उस तरफ सदर दिन शाह बादशाह है, जो सिंध बलोचिस्तान पंजाब के पीके से जिसकी ज़्यारत करने सदर दिन शाह बादशाह पे लोग आते हैं। ये कैंची वाली पुल और ये सत्यों का आस्थान, जहाँ पे आज ये वीडियो बनाने आए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करें, ताकि नई आने वाली वीडियो मेरी आप लोगों तक पहुँचती रहे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट लाजमी करें। ये सामने आप रोड़ी शहर देख सकते हैं, ये पूरा रोड़ी शहर है, ये रोड़ी कोरट रोड़ी शहर है ये।
ये सखर शहर। ये भी सतियों के आस्थान के साथ ही मज़ार है, ये आप देख सकते हैं।